लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ तक यानी कि साल 2022 तक के लिए 75 संकल्प लिए गए हैं। घोषणा पत्र जारी करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, संसदीय बोर्ड के सदस्यों समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस संकल्प पत्र में जहां किसानों, व्यापारियों, गरीबों को साधने की कोशिश की गई है, वहीं राष्ट्रवाद और राम मंदिर जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। तो आइए बताते हैं इस संकल्प पत्र की 10 खास बातें। बीजेपी ने कहा है कि गांव, गरीब और किसानों पर हमारा फोकस है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प है। साथ ही सभी किसानों को 6000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि देश में सभी सीमांत और छोटे किसानों के लिए पेंशन योजना आरंभ करेंगे ताकि 60 वर्ष के बाद भी उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 2022 तक सारी कृषि सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का वादा भी किया गया है। छोटे दुकानदारों को भी 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा दी जाएगी। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने की बात भी दोहराई गई है। बीजेपी ने कहा है कि वो इसे लेकर सभी पार्टियों से बातचीत जारी रखेगी। नागरिकता संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे लागू करेंगे। किसी भी राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान पर आंच नहीं आने देंगे। सभी को पक्का मकान और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मुहैया करवाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलेंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा कि 75 मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज समेत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने का वादा भी दोहराया है। बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर भी अपना वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में और संविधान के दायरे में राम मंदिर निर्माण का प्रयास किया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके साथ ही 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का वादा भी किया है।